बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुजुर्ग सफर के दौरान किसी रास्ते से गुजर रहे थे। मैं रोजे से था। मैंने एक बहती नहर को देखा तो उसमें गुसल के लिए गोता लगा दिया। अचानक मैंने पानी की सतह पर एक बई दाना, एक फल तैरते हुए देखा तो उसे अफ्तार के लिए उठा लिया। जब मैंने उससे अफ्तारी कर ली तो बहुत नदामत हुई कि मैंने गैर के माल से अफ्तारी कर ली। जब सुबह हुई तो मैं इस बाग के दरवाजे पर पहुंच गया जहां से नहर निकल रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक उम्र रसीद बुजुर्ग बाहर निकले। मैंने उनसे कहा, कल आपके इस बाग से एक बई दाना दरिया में बहता हुआ गया था। मैंने उसे उठाकर खा लिया और अब मैं इस पर बहुत नादिम हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसका कोई हल निकालेंगे। वो बुजुर्ग बोले, मैं तो खुद इस बाग में मजदूर हूँ। मुझे यहाँ काम करते हुए 40 साल हो गए मगर मैंने इसका एक फल भी नहीं खाया और इस बाग में मेरा कोई हिस्सा नहीं। मैंने पूछा, फिर ये बाग किसका है? उन्होंने कहा कि ये बाग दो भाइयों का है जो फलां जगह रहते हैं। मैं उस जगह पहुंच गया। वहां मुझे एक ही भाई मिल सका। मैंने उसे सारा माजरा बताया तो वो कहने लगा, निस्फ बाग तो मेरा है लिहाजा मैं आधा हिस्सा माफ करता हूँ। मैंने पूछा, मैं तुम्हारे भाई को कहाँ ढूंढूं? उसने कहा, फला फला जगह चले जाओ। तो मैं इस तरफ चल दिया और उसे जाकर सारा किस्सा सुनाया तो उसने कहा कि खुदा जौजल की कसम, मैं एक शर्त पर अपना हक माफ करूंगा। मैंने पूछा कि वो शर्त क्या है? वो बोला कि मैं तुमसे अपनी बेटी का निकाह करूंगा और तुम्हें 100 दिनार दूंगा। मैंने कहा, अफसोस कि मुझे इसकी बिल्कुल हाजत नहीं। आप नहीं जानते कि इस फल की वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई, लिहाजा मेरे लिए कोई और हल तलाश करें। उन्होंने कहा कि खुदा जौजल की कसम, मैं इस शर्त के बगैर ऐसा नहीं करूंगा। जब मैंने इनका इसरार देखा तो इनका मुतालबा तस्लीम कर लिया और कहा, ठीक है। उन्होंने मुझे 100 दिनार दिए और कहा, इसमें से जितने चाहो मेरी बेटी के मेहर के तौर पर दे दो। मैंने सारे दिनार वापस कर दिए मगर उन्होंने कहा कि सारे नहीं, कुछ दिनार दे दो। फिर जब उन्होंने अपनी बेटी का निकाह इस आने वाले शख्स से कर दिया तो लोगों ने उसे इस बात पर मलामत की कि जब अरबाब अख्तियार और बड़े लोगों ने तुम्हारी बेटी के लिए पैगाम भेजा था तो तुमने उन्हें अपनी बेटी नहीं दी, तो इस फकीर को क्यों दे दी जिसके पास बिल्कुल माल नहीं है? तो उन्होंने लोगों से कहा, ऐ लोगों, मैंने परहेजगारी और तकवा को तरजीह दी है क्योंकि ये शख्स अल्लाह जल्जल के नेक बंदों में से है जिन्होंने अपनी बेटी निकाह में दी थी। उनका नाम हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्ला अलैह था जो कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्ला अलैह के नाना जान थे और उनके बनने वाले दामाद का नाम हजरत अबू सालेह मूसा रहमतुल्ला अलैह था जो कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्ला अलैह के वालिद गरामी थे।